भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 1857 की क्रांति से लेकर 1947 तक देश की आजादी के लिए जो लड़ाई लड़ी गई, जिसमें 3,27,000 लोग शहीद हुए थे। उन्होंने कहा कि 13,500 लोगों को अंग्रेजों ने फांसी लगा दी थी, जबकि 26,000 लोग आजाद हिंद फौज में शहीद हो गए थे। ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के लोगों का भी आजादी की लड़ाई में अहम योगदान है। आजादी की लड़ाई में राजा नाहर सिंह को अंग्रेजों ने संधि का झांसा देकर दिल्ली बुलाने के बाद कैद किया था और 9 जनवरी 1858 में चांदनी चौक दिल्ली में अंग्रेजों ने फांसी दे दी थी। उनके सरदार गुलाब सिंह सैनी भूरा वाल्मीकि ने शहादत दी थी। उन्होंने कहा कि जलियांवाला बाग की घटना के बाद गांधी जी को पंजाब जाते समय अंग्रेजों ने पलवल रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार किया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी पलवल जिला का दौरा किया था। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत लोगों के मन में ये विचार आया कि राजा नाहर सिंह की अष्ट धातु से बनी हुई 17.5 फीट की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। इसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। इस देश की आजादी के लिए 1857 से 1947 तक जो लड़ाई लड़ी गई, उस 90 साल में 3,27,000 लोग बलिदान हुए थे। 13,500 लोगों को अंग्रेजों ने कोर्ट से सजा देके फांसी के फंदों पर चढ़ा दिया था। इस इलाके का भी आजादी की लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान है। राजा नाहर सिंह, उनके सरदारों में गुलाब सिंह सैनी, भूरा वाल्मीकि, ये बड़े चमकते हुए सितारे हैं। आज मैं पलवल में हूँ। गांधी जी भी जलियांवाला बाग की घटना के बाद जब पंजाब आ रहे थे तो उनको पलवल में ही गिरफ्तार किया गया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने भी पलवल का दौरा किया था। तो आज़ादी के अमृत महोत्सव के साल में ऐसा सुंदर विचार जो सबके मन में आया है कि एक 17.5 फीट की प्रतिमा राजा नाहर सिंह जी की बल्लभगढ़ में लगाई जाए, हमारे अष्ट धातु की, हमारे साथ वहाँ के विधायक और हमारे हरियाणा सरकार में बहुत यशस्वी मंत्री मूलचंद जी मेरे साथ हैं। सबका सामूहिक मन बना है कि इस कार्यक्रम को बहुत ही भव्य और दिव्य तरीके से संपन्न करेंगे। इस मौके पर सारी सरदारी है बावनपाल की, हमारे विधायक दीपक मंगला जी, प्रवीण डागर जी, नैयर जी, पूर्व विधायक भी जो है रावत जी, सब इस मौके पर साथ हैं। और मैं मानता हूं कि ये निर्णय एक ऐसा अच्छा निर्णय है, आज़ादी के अमृत महोत्सव है, जहां सबको एक कृतज्ञता उन वीरों के प्रति अभिव्यक्त करने का मौका मिलेगा जिन्होंने बलिदान दिया। वही आने वाली पीढ़ियों को भी उससे प्रेरणा मिलेगी।